नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। हर तरफ लोग हलाकान और परेशान हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उनकी कालाबाजारी चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि शमशान में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लगी हुई और वहाँ भी लोग आपदा में अवसर खोजने में लगे हुए हैं। दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, अस्पतालों में बेड्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वेंटिलेटर हो या फिर शमशान घाट पर अर्थी का सामान, हर चीज में कालाबाजारी हो रही है। ऐसा भयावह दृश्य छत्तीसगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन दूसरी ओर कुछ और भी चल रहा है प्रदेश में, जिससे जनता को जानने की सख्त जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार को जनता की फिक्र तो ज्यादा नहीं दिखाई देती है। लेकिन हाँ, असम के होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बोडो विधायकों को सुरक्षित करने की फिक्र जरूर दिखाई देती है। जनता को दवा मिले ना मिले, इन मेहमानों के लिए शराब की व्यवस्था जरूर है। नवरात्र शुरू हो गया है, कोरोना का कहर चरम सीमा पर है। प्रदेश में लगभग हर जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूजा स्थल बंद है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर का दृश्य कुछ और ही है। चित्रकूट के सरकारी विश्राम गृह में सरकारी मेहमानों के लिए मटन, मुर्गा और शराब परोसते हुए देखा जा सकता है। अब यह आदेश 10 जनपद का है या मुख्यमंत्री का, ये तो आप सोचिए। लेकिन हाँ, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कहीं भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ है। वाकई यह वीडियो छत्तीसगढ़ की परेशान और हलाकान जनता को मुंह चिढ़ाने जैसा है। अब जनता यही सोच रही होगी कि हमने इस सरकार को क्यों चुना, जनता की सेवा करने के लिए या फिर दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए।